हाय एवरीवन, आई एम प्रगति फ्रॉम प्रगति प्रोग्रेस क्लासेस। आप सभी का प्रगति प्रोग्रेस क्लासेस में स्वागत है। और आज हम क्लास 3 का लेसन 7 करने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम एक्टिविटी सीखेंगे कि कैसे एक्टिविटी करना है, कीवर्ड जानेंगे। और इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक है इस चैप्टर का, जिसमें मैंने अच्छे से एक वीडियो बना रखा है लेसन 7 पे। तो वहाँ पे आप जाके पहले अच्छे से उसको समझिए और उसके बाद ये वर्कशीट है। और अगर आपको मेरा ये वर्कशीट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, ताकि और भी इससे लाभान्वित हो, जिनको इसकी ज़रूरत हो वो उनको उनके तक ये पहुँच सके। तो आइए, ड्रॉ एंड कलर वन ऑफ योर फेवरेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ईट हेल्थी फूड, हेल्थ इज वेल्थ। यहाँ पे जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है उसका ड्राइंग बनाइए, उसके बाद कलर कीजिए। आपका माय फेवरेट वेजिटेबल, जो भी आपका फेवरेट वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पे बना के अच्छे से यहाँ पे आपका एक्टिविटी है। कीवर्ड्स, टू टाइम्स, मशीन, डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, मशीन, डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, टूल। एनर्जी, द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। ग्रो, इंक्रीज इन साइज एंड चेंज फिजिकली, है ना, ग्रो करना। जैसे कि आप छोटे बच्चे हो, फिर थोड़ा बड़ा हो जाओगे, ग्रो, जैसे प्लांट, अभी छोटा प्लांट होता है फिर ट्री बन जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन साइज एंड चेंज फिजिकली। हेल्दी, गुड हेल्थ, डिजीज फ्री। हेल्दी किसे बोला जाते हैं, जो डिजीज फ्री है ना, उनका हेल्थ अच्छा है। बॉडी, द फिजिकल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द बोन्स, फ्लेश एंड ऑर्गन्स ऑफ अ पर्सन। ठीक है, बॉडी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द बॉडी एज अ फिजिकल स्ट्रक्चर जिसको हम टच कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द बोन्स, फ्लेश एंड ऑर्गन्स ऑफ अ पर्सन। न्यूट्रिएंट्स, यूजफुल सब्सटेंसेस इन आवर फूड, जो यूजफुल सब्सटेंसेस हमारे फूड में पाए जाते हैं, जैसे मिनरल, विटामिंस, ठीक है, प्रोटीन। कंप्लीट फूड, फूड दैट कंटेंस ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड्स, हमारे बॉडी को जो भी ज़रूरत होता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, उसे बोला जाता है कंप्लीट फूड। ठीक है ना, जंक और फास्ट फूड, फूड दैट लैक न्यूट्रिएंट्स, जिस फूड में बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स होता है उसे बोला जाता है जंक फूड या फास्ट फूड। एसेंशियल, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उसे बोला जाता है एसेंशियल। थर्ड है, टेक द करेक्ट आंसर, व्हेन वी आर एस्लीप सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर वर्किंग। ठीक है, हम सो जाते हैं तभी हमारे बॉडी का कुछ जो पार्ट होता है वर्किंग करते रहता है। एग्जांपल, जैसे हमारा हार्ट है वो तब भी वर्क करता है, हमारा लंग्स है तब भी वर्क करता है जब हम सोते रहते हैं तो। ठीक है, हमारा स्टमक का भी डाइजेस्टिव सिस्टम है जो अपना काम करते रहता है, तभी तो हम रात में खाना खाते हैं, तो सुबह तक हमारा जो भोजन है डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से। द मोर फिजिकल वर्क वी डू, द मोर इनर्जी इज रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी, द फॉलोइंग फूड गिव्स अस इनर्जी। बनाना, पोटैटो, फास्ट इनर्जी हमारे बॉडी को देता है। वन ऑफ द फूड आइटम दैट कंटेंस अबाउट 96% ऑफ वाटर इज कुकुम्बर, कुकुम्बर में 96% वाटर पाया जाता है। Which of the following is protective food? Fresh fruits and vegetables, इसे बोला जाता है protective food. Which of the following is bodybuilding food? Eggs, इनमें से egg है जो bodybuilding food है. State whether following statement are true or false. Junk food is good for our body, false. Green vegetables protect us from disease and infection, true. Food is divided into 3 ग्रुप्स, तो ये ट्रू है। बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर मसल्स, ट्रू है। आवर बॉडी नीड्स फ्यूल टू वर्क, ट्रू। राइट टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, टू एनर्जी गिविंग फूड पोटैटो एंड बनाना, टू बॉडी बिल्डिंग फूड्स एग्स मीट, टू प्रोटेक्टिव फूड फ्रेश फ्रूट्स फ्रेश वेजिटेबल्स, रॉ फूड्स कैरेट कुकुम्बर जिसको हम कच्चा ही खाते हैं, रॉ खाते हैं, ओके, कुक्ड फूड सांबर डोसा
ये सब कुक फूड है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन फोर सेंटेंसेस। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आर फूड दैट आर बॉडी नीड्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। व्हाई डू वी नीड फूड? फूड गिव्स अस एनर्जी, इट हेल्प अस टू ग्रो, कीप्स अस हेल्दी एंड फिट, हेल्प्स अस टू फाइट डिजीज। राइट एनी टू हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। फर्स्ट, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग योर मील्स। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर यूजिंग देम। द फूड वी ईट। स्टूडेंट्स हैव टू डू दिस एक्टिविटी ऑन A4 शीट एंड कीप इट होल्डर। ये एक्टिविटी आपने करना है A4 शीट में। एक्टिविटी पहले क्या करना है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और ओल्ड बुक्स, पेस्ट देम इन द करेक्ट फूड्स ग्रुप एक्टिविटी रेफरेंस पिक्चर। ओके, आप कलेक्ट कीजिए, पुराने बुक से कलेक्ट कीजिए, न्यूज़पेपर से कलेक्ट कीजिए इस तरह के पिक्चर। एंड पहले आपने प्रोटेक्टिव फूड्स लिखना है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स लिखना है और एनर्जी गिविंग फूड लिखना है, और इस तरह से आपने चिपका देना है। ठीक है, जैसे फ्रूट वेजिटेबल ये सब प्रोटेक्टिव फूड है तो आपने इधर लिखना है, एनर्जी गिविंग का, बॉडी बिल्डिंग का, आपने इस तरह से, ये बॉडी बिल्डिंग है, ठीक है ना, तो इस तरह से आप कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, इससे अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाती तो और अपने फ्रेंड तक भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो उन्हें भी इस तरह का वीडियो प्राप्त हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।